इंद्री में चली तेज आंधी और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। करीब आए दिन हो रही बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बारिश से पूर्व चली तेज आंधी ने कई ट्रांसफार्मर तोड़ दिए, जिस कारण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। जबकि आंधी के बाद बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी। किसान जयपाल मन्नू का कहना है कि ओलावृष्टि के कारण टमाटर की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, परंतु कुदरत ने सभी कुछ तहस नहस कर दिया है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा दे, क्योंकि एक तो देश में हुए लॉकडाउन से पहले ही आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, वहीं अब मौसम की मार पड़ रही है। ऐसे में किसान को रोजी रोटी कमाने तक की चिंता सताने लगी है। बस एकदम भगवान करे इतना पड़ा जी के हमारी तो सारी फसल तबाह की। ये देखो, और पहले गवर्नमेंट तो कहते हैं भाई लगाओ, ये देखो अब क्या होगा इसका। पहले मार पड़े थे गेहूँ की मार जी, इधर धनिया भी आया खराब है जी, हरी टमाटर तो कते खराब हो गए जी, और ना गन्ने की पेमेंट आ रही जी, ना गेहूँ की, बस मरने के ऊपर ही आ गए जी जिम्मेदार तो कते। कितनी लागत लग रही है? लागत तो बहुत आती है जी, कम से कम 7-8 हज़ार की तो इसकी पौधी पौध होती है जी तैयार। और ऑनलाइन में भी जैसे फार्म रखे हमारे पास तो कोई अब तक वो भी नहीं आया जी, भाई पहले देखना आया कोई या कुछ भी आया इतना वाला, तो हमने काफ़ी सालों में भी नहीं देखा जी। तो क्या सारे टमाटर खराब? बिल्कुल जी, देख लो आप, एक तो टूटे पड़े जी, अरे क्या सब खत्म हो गए जी। क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग है जी, सरकार ध्यान करे जी, मालिक को कुछ मिले जी मुझे, ना अब कौन खरीदेगा जी, पहले नहीं खरीदार थे जी, दाएं बाएं जी कुछ मंडियों करके जी दाएं बाएं मौसम ले जाते जी। खराब के कारण टमाटर की फसल में ओला पड़ने के कारण बहुत नुकसान हुआ, जिसमें हमारी लागत 40,000 रुपया रही और नुकसान की क्षति हमारी मिलनी चाहिए। और लॉकडाउन के कारण भी हमारा टमाटर पिट रहा है और धनिया के 2.5 किले लगा रखे हैं जी, वो भी बहुत नुकसान में गए ओले के कारण, सारी फसल नष्ट होगी। मांग यही है जी, मुआवजा मिलना चाहिए, इसका मुआवजा मिलना चाहिए और लागत मिलनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए और ठेका भी मिलना चाहिए जी। इतनी लागत लगा रखी जी, खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा जी हमारा, किसान कर्जे में पहले ही दबा पड़ा है जी, और इस तरह की ओलावृष्टि के कारण टमाटर की फसल को नुकसान हुआ तो इसका मुआवजा मिलना चाहिए जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।